आज नाइजीरिया के नॉर्थ सेंट्रल प्रोविंस में पठारी क्षेत्र में वहां चरवाहों और किसानों के बीच हुए एक हिंसक संघर्ष में 40 लोगों की मृत्यु हो गई। ये खबर पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। इस पर यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते इस टॉपिक को समझना क्यों जरूरी है, इस बात पर हम एक समग्र चर्चा करते हैं। किसी भी स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें मैप जरूर क्लियर होना चाहिए। अगर हम नाइजीरिया की स्थिति देखें तो नाइजीरिया के नॉर्थ में एक देश है नाइजर, दूसरा अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो यह है चाड, और अगर ईस्ट में देखें तो वह है कैमरून, और वेस्ट में देखें तो यह है बेनिन। कुल मिलाकर 4 देशों से इसकी बाउंड्री जुड़ी है और साथ ही साथ ये अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ये क्यों जरूरी है, इसका मतलब ट्रेड या इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब चीजों को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए अटलांटिक महासागर है तो ऑब्वियसली वहां पोर्ट होगा। साथ ही साथ इन देशों के हालात तय करते हैं, स्थितियां ये बताती हैं कि नाइजीरिया में शांति या अशांति में पड़ोसी देशों का स्थान है कि। जैसे कि जब भारतीय लोकतंत्र की बात होती है तो हमारे प्रधानमंत्री को ये क्यों कहना पड़ा अटल जी को कि हम अपना मित्र तो बदल सकते हैं पड़ोसी नहीं। इसी तरह नाइजीरिया के पड़ोस में भी चाहे नाइजर हो, कैमरून हो, चाड हो, ये जब अहिंसक या हिंसक घटनाएं जैसी स्थितियां होंगी, अगर हिंसा से जुड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात होगी कि यह भी बहुत स्थिर राष्ट्र नहीं होगा, और ऐसे ही हालात नाइजीरिया के हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें हालात कुछ इस तरह बदलते हैं, एक मैप और है, लेकिन अगर हम इसके बाद की स्थिति को देखें कि नाइजीरिया की यह खबर क्यों इतनी महत्वपूर्ण बनी, तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि नाइजीरिया अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। सबसे अधिक जनसंख्या अफ्रीका की किस देश में निवास करती है, तो नाइजीरिया में। यहां 22 करोड़ की पॉपुलेशन निवास करती है। अब दूसरी चीज, न केवल 22 करोड़ की पॉपुलेशन निवास करती है बल्कि दुनिया का, विश्व का 10वां सबसे बड़ा तेल भंडार, ऑयल रिजर्व, वो कहां है, नाइजीरिया में। तेल इतना समृद्ध क्षेत्र, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 40% एक तरह से इरिगेटेड लैंड है, सिंचित भूमि है। इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स भी है, इकोनॉमिक रिसोर्स भी है। मैं कह सकता हूं कि नाइजीरिया एक ऐसा देश है जो अमीर होते हुए गरीब लोगों का देश है। ये तो हालात हैं रिसोर्स के, लेकिन वास्तविक स्थिति अब अगर हम नाइजीरिया की देखें तो हालात ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में 109 पर जाकर खड़ा होता है नाइजीरिया। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। कुपोषण की स्थिति, गरीबी की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति, सभी में आज नाइजीरिया निचले पायदान पर है। आज 32% से ज्यादा वहां युवा बेरोजगारी है, लगभग 30% के आसपास इन्फ्लेशन है, और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए तो वहां पर भी यह बहुत निचले पायदान पर खड़ा है। तो ऐसा क्या हुआ कि नाइजीरिया इतना, जैसे मैंने कहा, नाइजीरिया एक अमीर देश है जहां लोग गरीब हो गए। इसके पीछे की क्या ताकतें हैं, क्या पृष्ठभूमि है, इसको समझने के लिए केवल यह मत देखिए कि 40 लोग मरे। नाइजीरिया हमेशा हिंसक घटनाओं के कारण आजकल न्यूज में रहता है। जब नाइजीरिया ब्रिटिश, आप सबको पता होना चाहिए कि नाइजीरिया ब्रिटिश उपनिवेश था, और जब ब्रिटिश उपनिवेश के बाद आजाद हुआ, 1960 के दशक में आजादी मिलने के बाद, यहां पर शुरुआती दौर में तानाशाही सरकारें रही, सैन्य तंत्र रहा, और सैन्य तंत्र और खासकर कुछ तानाशाहों ने कुछ पश्चिम यूरोप की एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी से मिलकर जो तेल उत्पादन या अन्य रिसोर्स था उसका सारा लाभ एक तरह से अपने हाथ में रखा। वास्तविक लाभ जो रिसोर्स का था वो लोगों तक नहीं पहुंचा। कुछ लोग बहुत अमीर होते चले गए, लेकिन पूरा नाइजीरिया अगर समग्रता से देखें तो गरीब होता चला गया, और राजनीतिक अस्थिरता लगातार वहां, कूप, हिंसक स्थितियां बनती रहीं। अंततः 1999 में वहां लोकतंत्र का स्थापना हुआ, डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट हुआ। लेकिन ये डेमोक्रेसी आई तो, इसके बावजूद जो डेमोक्रेसी आई, लेकिन
जिस तरह से एक चाहत थी रिफॉर्म की, जिस तरह से एक चाहत थी स्थिरता की, वो कायम नहीं हो पाया। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे हालात हैं और वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं टीबीयू, इन्होंने भी जो प्रयास किए अभी नाकाफी है। अब ऐसे में आखिर और क्या ऐसी स्थितियां रही तानाशाही सैन्य तंत्र और एमएनसी के क्रोनिक कैपिटलिज्म के अलावा? तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि नाइजीरिया को जो स्थिति है आज, सबसे ज्यादा इसलिए खराब है कि यह बहुत तरह के हिंसक संघर्षों से जूझ रहा है। इस बात को आप मेंस के हिसाब से भी देख सकते हैं। मैं 5 प्रमुख कारण बताऊंगा जिसके कारण यहां हिंसक गतिविधियां हैं। सबसे पहले अगर हम एक उत्तर पूर्व प्रोविंस को देखें, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं, तो यहां पे कहा जा सकता है कि जिहादवादी संघर्ष है। आप जानते हैं कट्टरपंथिता के नाम पर इस्लाम, वास्तविक इस्लाम की जगह कट्टरपंथिता और इस्लाम के नाम पर हिंसा करके कि शरीयत का शासन लाएंगे, इस आधार पर दुनिया में बहुत सारे आतंकी संगठन केवल अपना लाभ कमा रहे हैं। क्योंकि ये बात याद रखिए, इस्लाम कभी नहीं सिखाता कि इस तरह की आतंकी और क्रूर चीजें की जाए। लेकिन एक संगठन वहां जो बहुत प्रभावी है उसका नाम है बोको हराम। ये लगातार आप पढ़ते होंगे, प्री यूपीएससी में पूछा गया है कहां पे प्रभावी है बोको हराम। ये अपना रूल, इस्लामिक रूल के हिसाब से कहता है कि यह शासन हमारे हाथ में होना चाहिए। और यही नहीं, दिक्कतें तब और बढ़ गई जब इस संगठन के अंदर भी एक तरह से ग्रुपिज्म उभरने लगा। और एक संगठन उभरा पहले इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस ISWF, और कुछ ही दिनों बाद फिर इसमें भी एक और संगठन उभरा JS। और ऐसे में इन सारे लोगों ने प्रभुत्व की लड़ाई में यहां के लोगों का जीना हराम कर दिया। पूरी तरह से डिस्टर्बेंसेस है और इसलिए स्थिरता नहीं आ पाई। दूसरा, जो आज की न्यूज जहां से मैंने शुरू किया, अगर हम नॉर्थ सेंट्रल की बात करें, यहां पर रिसोर्स को लेकर बड़ी समस्या है। जहां मैंने कहा यहां चरवाहों और किसानों के बीच हमेशा हर 2-3 सालों में संघर्ष दिखता है। यह न्यूज मैंने इसीलिए कहा, यह केवल एक घटना, एक न्यूज नहीं है, पहली बार नहीं है, वहां की परिस्थितियों में छुपा है। और इसका कारण यह है संसाधनों पर प्रभुत्व या संसाधनों तक पहुंच का संघर्ष। यहां मेनली जल और जमीन की लड़ाई है। धीरे धीरे जो रिसोर्सेज हैं वो सिमटते जा रहे हैं, जो चरवाहे हैं वो दक्षिण की ओर आते जा रहे हैं, और जो वहां के स्थानीय किसान हैं, अब चूंकि रिसोर्स थोड़ा है, वहां की आबादी उस पर पहले से जितना भी है उस पर काम कर रही है, लेकिन जब अन्य लोग आ रहे हैं तो ये संघर्ष उभरता है। और इसी में आज 40 लोगों की मौत हो गई। ये था दूसरा कारण जो लगातार बना हुआ है। और जब ऐसी विपरीत स्थितियां होंगी तो आप खुद सोचिए कि कैसे विकास होगा। अभी तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है डकैती का। वहां लोग इसे डाकू कहते हैं, डाकू अपहरण, आप सब जानते हैं, जहां पर स्थितियां अनुकूल नहीं होती। अब देखिए सोमालिया, जो लगातार बहुत सारी आपदाओं से गुजर रहा है, भूखमरी की स्थिति से गुजर रहा है, जब वहां कुछ नहीं है तो पायरेट्स, समुद्री डकैती वहां सबसे बड़ा उद्योग बन गया। इसी तरह यहां भी जो खासकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट था, ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में लोग अपने आप को स्थिर नहीं पा रहे हैं। वो अपने जो जिंदगी है, जीवन शैली, उसमें स्थिरता नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि वहां डकैती और अपहरण की घटनाएं, क्योंकि सबसे इजी उद्योग वहां पर डकैती और अपहरण बनता चला जा रहा है। 3 मेजर रीजन के बाद एक और बड़ा रीजन है, मैं इसको मिटाता हूं। 4th रीजन अगर हम साउथ ईस्ट क्षेत्र में जाएं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जाएं, तो वहां पे अलगाववाद है। पहले अलगाववाद, ये अलगाववादी सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी वहां चलता है। और यहां पर इंडिजिनस पीपल ऑफ बियाफ्रा, ये जो एक संगठन है, ये चाहता है एक तरह से नाइजीरिया से अलग देश। ये वास्तव में एक जनजाति है इग्बो, हो सकता है प्री में पूछे, इग्बो जनजाति के प्रभुत्व से एक अलग देश
बनाना चाहता है और इसे इंडिजिनस पीपल ऑफ बियाफ्रा एक संगठन है जो लगातार सरकार के विरुद्ध हिंसा कर रहा है, सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। चौथी और सबसे बढ़कर जब पांचवी बात आती है जो रिपीट होगी आगे, वो है नाइजर डेल्टा क्षेत्र, जहां पर सबसे ज्यादा तेल उत्पादन है, मतलब कुल मिलाकर जो सबसे इंपॉर्टेंट है नाइजीरिया की इकोनॉमी में, वहां पर तेल माफिया कहें, तेल चोर कहें, उनका एक तंत्र, एक नेक्सस बन चुका है। वास्तव में जितना तेल उत्पादित होता है जो एक्सपोर्ट होना चाहिए, उस पर वहां पर नेक्सस बनाकर इन चोर और माफियाओं ने अपना कब्जा कर लिया है और कई कई क्षेत्रों में तो 90% प्रोडक्शन का चोरी हो जा रहा है। तो जो मेन रिसोर्स है वही चोरी हो जा रहा है, तो विकास में कैसे लगेगा? ये पांच मेन रीजन है जिससे पूरा नाइजीरिया झुलस रहा है। और मैंने जो आंकड़ा दिया, आज हालात ये है इस नाइजीरिया के कि 22 करोड़ में से लगभग आप देखें तो बहुत 2 मिलियन लोग माइग्रेट हो चुके हैं, 2 मिलियन लोग नाइजीरिया छोड़ चुके हैं। और आप जानते हैं जब अपना देश छोड़कर कोई जाता है तो विस्थापितों की स्थिति क्या होती है पड़ोसी देशों में। साथ ही साथ केवल बात यही नहीं है, अभी जो हालात हैं उसमें सबसे विकराल यह है कि लगभग 15 मिलियन लोग, 15 मिलियन जो पॉपुलेशन है, मतलब लगभग 1.5 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा की पहुंच तक सीधे नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैंने जैसा कहा, चाहे येलो फीवर हो, चाहे कुपोषण हो, चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, सबसे ज्यादा अगर बदतर स्थितियों में से कोई देश अफ्रीका में है तो वो है नाइजीरिया। और नाइजीरिया जब मैंने कहा कि इसके हालात ऐसे नहीं थे तो फिर क्या हुआ, तो इसके 2 रिसोर्स राजनीति के अलावा अगर इकोनॉमी पे आए तो आप सब जानते हैं कि नाइजीरिया की इकोनॉमी का मेन आधार है तेल। आपको यह बात पता होना चाहिए कि जो नाइजीरिया की सरकार का राजस्व का हिस्सा है उसमें 80% से अधिक केवल तेल से आता है। अगर हम निर्यात के लाभ को देखें तो लगभग 90% से अधिक केवल तेल से होता है। रिजर्व है, तेल है, फिर आखिर तेल का फायदा क्यों नहीं है? कारण यह है कि शुरुआती दौर में इस तेल का ज्यादातर लाभ साम्राज्यवादी शक्तियां ले गईं। मैंने हमेशा कहा है कि इन समस्याओं की जड़ कहीं ना कहीं शीत युद्ध के समय ईस्ट बनाम वेस्ट की जो लड़ाई थी, यूएसएसआर बनाम वेस्टर्न गुट की जो लड़ाई थी, उसने पैदा की। ये सारे फायदे लेके चले गए और कुछ वहां के स्वार्थी तानाशाहों ने, स्वार्थी पूंजीपतियों ने अपना जेब भरा, बाकी इसकी लाभ को नाइजीरिया के लिए नहीं लगने दिया। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है, जब इतना है तो तेल के साथ क्या हो रहा है, तो 2 बातें। सबसे पहले अगर हम हालात को देखें तो जैसा मैंने कहा, पहले तो पूंजीवाद और एमएनसी का जो नेक्सस था उसने तहस नहस कर दिया। दूसरा, मैंने अभी जो पढ़ाया नाइजर डेल्टा तेल डकैती बताया, यहां पर युवाओं के लिए सबसे आकर्षक रोजगार है तेल डकैती। एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूल खुल गए हैं कि जल्दी से अमीर कैसे बनो, तो पढ़ाई है नहीं, शिक्षा है नहीं, स्वास्थ्य है नहीं, तो युवाओं को आकर्षित करता है। और सबसे बड़ा इस क्षेत्र में, नाइजर डेल्टा क्षेत्र में, तेल डकैती एक उद्योग की तरफ पनप पड़ा है। सरकार इस पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है। चोरी, मैंने बोला 90% तक हो जाती है, तो बताइए वो रेवेन्यू का मॉडल कैसे बन सकता है। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, बदलते हालातों में असुरक्षा और लाभ की स्थिति जैसे ही बदलती है, वैसे ही जो मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियां थी, 5 बड़ी कंपनियां जो यहां पर तेल निर्यात से संबंधित थी, वो सब छोड़कर भाग चुकी हैं। क्योंकि याद रखिएगा, इन देशों को केवल अपना लाभ देखना है। आप अगर थोड़े भी बुरे हालात में आए, ये सब छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि इनके लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये किसी के नहीं है। और ये सारे के सारे चले गए। आज जो हमारा, खासकर नाइजीरिया का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की स्थिति है, वो बहुत खराब हो चुकी है। तीसरा कारण अगर देखें तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, आप देखिए सबसे पहले कोविड-19 आ गया। कोविड-19 के बाद रशिया यूक्रेन वार शुरू हो गया, उसके बाद हमास और इसराइल वार शुरू हो गया। साथ ही साथ इस तरह की कुछ ग्लोबल वार्मिंग की अपने चैलेंजेस थे। इन सारे चीजों ने हमारी सप्लाई चेन ग्लोबल डिस्टर्ब की और ऑब्वियसली नाइजीरिया के तेल निर्यात या तेल व्यापार को भी प्रभावित होना पड़ा। एक और समस्या आती है जिसे जरूर जानना चाहिए, आजकल पर्यावरण बड़ा सेंसिटिव विषय है।
तेल, तेल और तेल ने वास्तव में नाइजीरिया का तेल निकाल दिया। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण क्या हुआ कि जहां से जो ऑयल रिजर्व वाले क्षेत्र थे, डेल्टाई क्षेत्र थे, वहां से लीकेजेज होने लगे, रिसाव। और इस रिसाव के कारण दो बातें हुई, जो इकोसिस्टम है डिस्टर्ब हुआ, मैंग्रोव और अन्य जो वहां की वनस्पतियां थी प्रभावित होने लगी। सबसे बढ़कर जब वहां रिसाव हुआ, पानी प्रदूषित हुआ, तो मछली उत्पादन या जो मछलियों के पकड़ने और उसको उसके आधार पर जो जीवन जीते थे उन लोगों की जीवन शैली प्रभावित हुई, क्योंकि वहां का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने लगा, प्रोडक्शन प्रभावित होने लगा। दूसरी चीज, जो जमीन थी वो भी जहरीली होने लगी, वो खेती लायक नहीं रह पाई। ऑब्वियसली इसका मतलब वहां का कृषि उत्पादन भी प्रभावित होने लगा। कुल मिलाकर ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिसके कारण जो वहां का मेन सोर्स हो सकता था इकोनॉमी का या था, वो प्रभावित होने लगा और वो इकोनॉमी रूप से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगा। इसके साथ साथ एक और अगर हम बात कहें, अगर दूसरा, जैसे मैंने कहा कि ये उतना भी खराब क्षेत्र नहीं है यहां अनाज को लेकर था, तो अगर हम अनाज को लेकर देखें कि अनाज को लेकर नाइजीरिया क्यों परेशान रहा, तो यहां पर सबसे पहली बात, जब भी कोई सरकार आती है, क्योंकि लोकतांत्रिक ढांचा तो है, और टीबीयू साहब ने जब कोशिश की तो उससे पहले कोशिश ये की कि घरेलू अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो बाहरी आयात था अनाज का, उसको रोक दिया गया। अब बाहर से जब आयात रोक दिया गया तो इसका मतलब सारी डिपेंडेंसी हो गई घरेलू उत्पादन पर। अब घरेलू उत्पादन पर ही पूरी अनाज की मार्केट डिपेंड करने लगी। लेकिन हुआ यह कि घरेलू उत्पादन जो चावल का था वो महंगा होने लगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन कास्ट आई वो ज्यादा बढ़ने लगी। अब जब प्रोडक्शन कास्ट बढ़ने लगी, इसी समय टीबीयू साहब ने एक और काम किया, रिफॉर्म के चक्कर में उन्होंने जो सब्सिडी दी जाती थी तेल या ईंधन पर, सब्सिडी को समाप्त कर दिया। एक बड़ी योजना थी मानी गई कि एक रिफॉर्म करेगा टीबीयू, और उन्होंने ईंधन पर सब्सिडी समाप्त कर दी। ऐसे में क्या हुआ कि जब सब्सिडी समाप्त कर दी तो ईंधन की कीमतों में 200% का इजाफा हुआ, 200%। सोचिए कितनी महंगाई बढ़ गई। और जब ईंधन की कीमतों में 200% इजाफा हो गया, अनाज खरीद की क्षमता जो है वो क्या हुई, प्रभावित हुई, निगेटिव रूप से कम हो गई। अब जब कम हुई, पैसा है नहीं, चीजें बढ़ रही हैं, बाहर से निर्यात है, आयात है नहीं कि अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन्स हो, ऐसे में कीमत बढ़ गई। और जब कीमतें बढ़ने लगी तो अब एक ही चीज की जा सकती थी कि मैनेज करो। अब लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो दो टाइम खा सकें। उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, और कहा जाता है एक तिहाई जो पूरा नाइजीरिया है वो केवल अगर एक वक्त खा लेता है तो अपने आप को खुशहाल समझता है। जब एक वक्त खाएगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी से लेकर सब चीजों पर फर्क पड़ेगा, और कुपोषण का एक बहुत बड़ा रीजन ये है। इसी के साथ एक और घटना हुई, चूंकि अनाज इस तरह से जब प्रभावित होने लगे और वहां पर भूखमरी और कुपोषण की समस्या को बढ़ावा मिला, उसी समय टीबीयू साहब ने एक और बात की अपनी, जैसे सब्सिडी के साथ साथ मुद्रा का अवमूल्यन किया। और जब मुद्रा का अवमूल्यन किया तो जब ऐसे में आप जानते हैं कि और आयात मुश्किल हो जाता है, जब डिवेल्युएशन ऑफ मनी होती है, अवमूल्यन कई बार प्रीमियम पूछा गया है इकोनॉमी में, तो होता क्या है, जब आपकी कीमत कम हो गई तो आपका निर्यात तो बढ़ता है, क्योंकि उतने पैसे में बहुत सारी चीजें मंगाई जा सकती हैं, लेकिन आयात कठिन हो जाता है। तो यहां पर कई ऐसा देश कभी कभी फैसला लेते हैं कि मुद्रा का अवमूल्यन इसलिए किया जाता है कि निर्यात को बढ़ावा मिले, लेकिन यहां नाइजीरिया ने किया, आयात मुश्किल हो गया। अब जब ऐसे में रिसोर्स अपने यहां हो नहीं रहे, बाहर से आ नहीं रहे, और एक और संगठन है जिसे हम ब्रिटेन ट्विंस कहते हैं, IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आप जानते हैं कहा जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक कहीं ना कहीं पश्चिमी शक्तियों के एक तरह से मुखौटे हैं। और ऐसा ही देखा गया, IMF ने टीबू की खूब तारीफ की, बोला गजब का राष्ट्रपति आ गया, और तारीफ करने के बाद ये सारे काम कराए, लेकिन इससे समस्या, IMF ऐसा कई जगह करता रहा है, इसीलिए इसके ऊपर आरोप है, लेकिन इस चीजों से हालात नहीं सुधरे,
और हालात नहीं सुधरे और वहां की स्थिति यह है कि अब इन्फ्लेशन लगभग 32% पहुंच चुका है, महंगाई 32% पहुंच चुकी है, बेरोजगारी 28-30% पहुंच चुकी है, तो हालात हिंसक घटनाओं के अलावा जो युवाओं में असंतोष है, सोचिए वो क्यों इस तरह की अशांति को जन्म न दे। साथ ही साथ आज अगर एक बात बोला जाए, इसलिए हमें याद रखना है IMF और वर्ल्ड बैंक के कुछ पहलू निसंदेह प्रश्नवाचक चिन्ह या संदेहास्पद नजरिए से देखे जाने चाहिए। आज की हालात यह है, अगर पैसे की बात में देखें तो नाइजीरिया को पैसे को नायरा कहा जाता है, जैसे हमारा रुपया है, और रुपया से ही अगर तुलना करें तो आप मान के चलिए कि एक रुपया बराबर आज एग्जैक्ट कीमत है 17.49 रुपए नायरा, मतलब एक रुपए में लगभग 20 नायरा। ये हालात हो गए हैं नाइजीरिया की, जो मनी है, जो वहां की आप कहें कि जो करेंसी है उसका एक्सचेंज रेट रुपए में, डॉलर में आप सोच सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ करप्शन और जमाखोरी ने हालात को और विद्रूप बना दिया है। तो नाइजीरिया एक ऐसा उदाहरण है जहां पर एक ऐसा देश जहां ह्यूमन रिसोर्स है, इकोनॉमिक रिसोर्स है, लेकिन कुछ पश्चिमी देशों की गलतियों, उनके अपने स्वार्थ की पूर्ति, कुछ सैन्य तंत्र तानाशाही और वहां के एक कैपिटलिज्म जो क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है उसके नेक्सस और 5 बड़ी घटनाओं की हिंसक जो स्थितियां हैं, उसने नाइजीरिया के पूरे क्षेत्र को बड़ा ही अशांत बना दिया है। न तो इकोनॉमिक ग्रोथ दिखती है, ना वहां डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट सही तरीके से दिखता है, और इसी हालात में आज नाइजीरिया दुनिया के हर, खासकर SDI कहें या फिर बेरोजगारी कहें, सभी मामलों में सबसे निचले पायदान पर है। यह एक उदाहरण है कि एक समृद्ध क्षेत्र होते हुए भी कैसे वहां की जनता गरीब होती है, अकाल का सामना करना पड़ता है उसे। और यही नहीं, जो पड़ोसी देश हैं, अभी आपने सुना होगा 2023 में लगभग 5 देशों में वहां, जहां सूडान था, गैबन था, नाइजर था, सेनेगल था, वहां पर तानाशाही तंत्र या पर कहिए कूप या तख्ता पलट की कोशिश हुई। तो जो राजनीतिक स्थिति है वहां भी बहुत दिक्कतें हुई, तो इकोनॉमिक स्थिति में, पॉलिटिकल स्थिति में, और खासकर जब हम इंटरनल डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं, उस स्थिति में नाइजीरिया लगातार एक तरह से पिसता चला जा रहा है, घुसता चला जा रहा है, और इस कारण से नाइजीरिया दुनिया के विकास के मॉडल में सबसे पिछले पायदान पर आता जा रहा है। अतः वैश्विक स्तर पर सभी देशों को, अंतर्राष्ट्रीय मंचों को इसके लिए सोचना होगा।